सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दोस्ती का मतलब एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। आज का पंचांग 12 दिसंबर 2022 दिन सोमवार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 6:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 11:36 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:59 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 12 दिसंबर 2022 दिन सोमवार। आज आप जो भी करेंगे उसमें एक नई ऊर्जा और नया लक्ष्य दिखाई देगा। आपकी बातचीत का स्तर अविश्वसनीय रूप से बेहतर हो गया है और आप ऐसे किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी को वित्तीय या आध्यात्मिक रूप से काफी प्रभावित करेगा। आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको जीवन की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी वर्तमान समस्याओं को खत्म करने के लिए सोचना चाहिए। इस राशि वालों के लिए दिन व्यापार में अच्छी बिक्री को दर्शाने वाला रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में ग्राहक की चहल पहल रहेगी जिससे बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी होगी। साथ ही व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक मुनाफा वसूली करते दिखेंगे। लोहे व प्लास्टिक संबंधित उत्पादों में महीने के इस दिन की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के आसार बने हुए हैं। साझेदारी वाले कार्यों में किसी बात को लेकर आपसी संबंधों में दरार की स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशे वर्ग के जातक आज ऑफिस में अपने कार्यों में व्यस्त दिखेंगे। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता देखी जाएगी, हालांकि बच्चों के साथ कुछ नोकझोंक हो सकती है। किसी निकट मित्र की सलाह और सहयोग से आप अपनी बिगड़े काम ठीक से कर सकते हैं। समय का लाभ उठाएं, संध्या काल के समय किसी धार्मिक स्थान पर जाने से मानसिक शांति मिलेगी। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों की सेहत आज ठीक रहेगी, लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या शुगर संबंधित परेशानी है या जो लोग पहले से बीमार चले आ रहे हैं उन्हें अपनी सेहत को लेकर अधिक गंभीर रहना चाहिए। सावधानियां। धन ध्यान में आज वृद्धि को लेकर आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें, तभी आप उन्हें समय रहते पूरा कर पाएंगी। और कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नई उपलब्धियां चाहिए तो मेहनत करनी होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिसे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपको कोई मानसिक उलझन है। आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो, लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। बात करते हैं करियर की। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज आप अपनी निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से खुद को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। आपकी मानसिकता में उठान आपके काम में साफ दिखाई देगा। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखें और बोरियत से बचने के लिए कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन कर लें। चलते या टहल कम भी करते हुए किसी को साथ ले लें, आपको अच्छा लगेगा। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।